श्री कृष्ण भगवान जी बचपन से ही बड़े नटखट थे, बड़े शैतान थे। जब वो अपनी बांसुरी की मधुर धुन बजाते थे तो जिस जिसके कानों में वो आवाज पड़ती थी वो श्री कृष्ण भगवान का ही हो जाता। इधर जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने बांसुरी बजाई, जय श्री राधे, तो वो मीठी मीठी बांसुरी की आवाज राधा रानी जी के कानों में पड़ी। सारे कामकाज भूल गई और कहां चल पड़ी? कन्हैया के पीछे पीछे। मन में बड़ी बातें कि आज जाके कन्हैया से लड़ूंगी। जाते ही बांसुरी छीन लेती है, क्या कहती है? अरे कन्हैया, तूने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। जब भी कोई काम करने जाती हूँ तो ये सौतन मेरी बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। दिल तो करता है कि तेरी इस बांसुरी को तोड़ दूं, लेकिन क्या करूं रे निर्मोही, इधर ये बांसुरी टूटेगी और उधर मेरी एक एक सांस छूटेगी। ना तो तुझे मैं कुछ कह सकती हूँ और ना भामरी मैं तेरी बांसुरी के बिना रह सकती। कृष्ण भगवान नाराज हो जाते हैं, लेकिन राधा रानी भामरी दीवानी पगलों की तरह अपने कन्हैया को मनाती है। क्या कहती है? सांवरिया तू आ जा, सांवरिया तू आ जा, सांवरिया आ जा, सांवरिया आ जा। अरे आ जा तू ही दादा है बुलाए, तू ही क्यों तड़पाए, अरे पल तेरी याद सताए कि शम शम रोए। लेकिन मैं माइक पकड़ के सारी दुनिया को कहता हूं कि नशा करना चाहिए। कहते हैं कि नाम कुमारी नानका चली रवे दिन रात, कि क्या फायदा जान पे जान पिलाने का, अरे रात को पी सुबह उतर जाएगी, तू मेरी माँ के नाम की प्यालियां भर भर के पी तेरी सारी जिंदगी की समझ। नशा वो करना चाहिए जिंदगी में जो कभी उतरे ही ना। कौन कौन चाहता है मेरी माँ के नाम की प्यालियां भर भर के पीने के लिए? सांवरिया तू आ जा, सांवरिया तू आ जा, तेरी कमल कमल आईश तेरे ने मैनू कमली कीता, इश्क तेरे मैनू कमली कीता, नू भुल गए सोने पेके, भुल गए सोने पेके, ओ सोनिया सजना पल नर नाले, Oh,
आधा दिल में ना तुम्हारा जानी ये छत्तीसगढ़